डॉक्टर मंसूर खुशतर ने कहा, मनाजिर आशिक हरदानवी ने अपने पूरा जीवन उर्दू भाषा और साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया था। अल मंसूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने प्रोफेसर आशिक हरदानवी एक संगोष्ठी का आयोजन। अल मंसूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा ने अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी बीबी पाकर दरभंगा में प्रोफेसर मनाजिर आशिक हरदानवी के जन्मदिन के अवसर पर एक दिवसीय स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सैयद महमूद अहमद करीमी ने की, जबकि प्रोफेसर शाकिर खलीक, प्रोफेसर मोहम्मद आफताब अशरफ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे और सुल्तान शब्सी ने समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए डॉक्टर मंसूर खुस्तर ने कहा कि प्रोफेसर मनाजिर आशिक हरदानवी का दरभंगा टाइम्स और अल मंसूर ट्रस्ट से बड़ा गहरा रिश्ता था। उनके निधन से संगठन को व्यक्तिगत क्षति हुई है। अपने अध्यक्षीय भाषण में सैयद महमूद अहमद करीमी ने कहा, प्रोफेसर मनाजिर आशिक हरदानवी आधुनिक युग के बहुआयामी अंतर्राष्ट्रीय कवि, एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय लेखक, शोधकर्ता, इतिहासकार, आलोचक, महान विचारक थे। इस अवसर पर प्रोफेसर शाकिर खलीक ने कहा कि मेरा आशिक हरदानवी के साथ आधी सदी तक रिश्ता रहा। प्रोफेसर मोहम्मद आफताब अशरफ ने प्रोफेसर मनाजिर आशिक हरदानवी के बारे में कहा कि वह एक लेखक और एक व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण थे। उनकी शैली युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने की थी। डॉक्टर अब्दुल हई प्रोफेसर उर्दू विभाग सीएम कॉलेज दरभंगा ने कोसल जनरल के संदर्भ में मनाजिर आशिक हरदानवी की उपलब्धियों की सराहना की और एक अच्छे लेखक के साथ उनके अच्छे होने की घोषणा की। इस अवसर पर डॉक्टर एहसान आलम ने उनके व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डाला और अपने दो महत्वपूर्ण उपन्यासों आफ्टर टुनाइट टच और आफ्टर फ्लेमिंग टच पर अपना शोध प्रबंध यौन दुराचार के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया। वसी अहमद शमसाद ने मनाजिर आशिक हरदानवी के साहित्यिक कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में दरभंगा टाइम्स के मैनेजर आशिक हरदानवी नंबर के कवर का अनावरण भी किया गया। हमारे डाइस में तशरीफ फरमा है, बाद में तशरीफ लाए हमारे आज के मेहमान खुसूसी सदर शोभाई उर्दू यूनिवर्सिटी दरभंगा डॉक्टर प्रोफेसर आफताब अशरफ साहब, इनका मकदम है आपका इस सेमिनार में। हाजरी चूंकि हमारे पहले से तयशुदा सदर मोहतरम अली हो गए हैं, उनकी जगह पे आज की सदारत, इस सेमिनार की सदारत सैयद महमूद अहमद करीमी साहब फरमा रहे हैं। इन किताबों का क्या हश हुआ? कई हश मनाजिर आशिक हरदानवी साहब का किया, ये तो अफसोसनाक है उर्दू वालों के लिए। ठीक है, ये जब तक जिंदा रहते हैं हम उनके तारीफ में बहुत कुछ बोलते हैं, हम उनके बारे में उनको अर्श से फर्श तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हम उर्दू वालों का भी बहुत बड़ा कसूर है कि ये कभी नहीं सोचते हैं कि आखिर इनके जाने के बाद सिर्फ कभी जो जमा होंगे तो दरभंगा टाइम्स का मनाजिर आशिक हरदानवी नंबर आ रहा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर कोई मजमून भेजना हो तो एक हफ्ता 15 दिन के अंदर में भेज देंगे और उसका टाइटल बन के तैयार हो, दरभंगा टाइम्स मनाजिर आशिक हरदानवी नंबर का ये टाइटल तैयार है, उसी का उसका रसमेजरा है, जो उसका रसमेजरा होना है अभी